सभी को जय मसीह की। जीसस थ्रू आउट द बाइबल एपिसोड 11 में आप सभी को स्वागत। आज हम देखेंगे पहला राजाओं के पुस्तक में यीशु मसीह कौन है। यीशु एक ऐसा शासक है जो राजा सुलेमान से बड़ा और महान है। राजा सुलेमान इज़राइल देश को चलाने और इज़राइल देश का राज करने के लिए प्रभु परमेश्वर से विनती की कि उसे राज करने के लिए ज्ञान दिया जाए। आइए हम देखेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसका 9वीं पद। मैं आप लोग के लिए पढ़ूंगा। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं राजा सुलेमान परमेश्वर के निकट में उसने विनती की, प्रार्थना की और परमेश्वर से ज्ञान मांगी, क्योंकि इज़राइल देश बहुत बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए, उसका प्रजा को न्याय करने के लिए उसके ज्ञान की जरूरत था। इसीलिए उसने ज्ञान मांगी और परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया था। इसीलिए राजा सुलेमान इज़राइल देश को 40 साल तक उसने शासन किया और उसको उसके ऊपर राज किया था। परंतु यीशु मसीह ऐसा एक राजा है जो हम कह सकते हैं वो राजाओं का राजा सुलेमान से भी वो ज्ञानी है और अच्छा शासक है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ज्ञान का भंडार है, क्योंकि हम जानते हैं जब यीशु मसीह को 12 साल हुआ था उसने मंदिर में बड़े बड़े विद्वान और पंडित लोगों के साथ बातचीत करता था, बात विवाद करता था और पंडित लोग उसके बात सुनकर घबरा जाते थे। आइए हम पढ़ेंगे लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 46 और 47। लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 46वां पद और 47। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वो सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह जब 12 साल के थे वो किस प्रकार बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े विद्वान लोगों को भी प्रश्न उत्तर करते थे। इसीलिए वो कर पाते थे कि वो 100% मनुष्य थे और 100% परमेश्वर थे। इसीलिए हम जानते हैं राजा सुलेमान सभी ज्ञानी और राजा सुलेमान सभी महान स्वयं यीशु मसीह है। इसलिए मैं आज आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। ना स्वर्ग में जगह बना रहे हैं, स्वर्ग में भवन बना रहे हैं। जिस प्रकार राजा सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया, उसी तरह यीशु मसीह हम सभी के लिए भवन बना रहे हैं। ऐसा एक दिन आएगा हम सबको वो लेके जाएंगे। क्या आप तैयार हो उस भवन में जाने के लिए? क्या वो तैयार हो कि उस भवन में जाने के लिए? क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह राजा सुलेमान से भी महान और सर्वशक्तिमान है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।